गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट, अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये हम जान चुके हैं। साथ में हमने स्टडी किया है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा और उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अगर आपने अभी तक स्टडी नहीं किया है तो उसके लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम कैलकुलेट करेंगे जो करंट कैरिंग कंडक्टर के उसके जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास है बायोटेन सेवर्ट लॉ। तो शुरू करते हैं हम बायोटेन सेवर्ट लॉ। बायोटेन सेवर्ट लॉ, बायोटेन सेवर्ट लॉ का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायोटेन सेवर्ट लॉ, वी कैन कैलकुलेट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। बायोटेन सेवर्ट लॉ का डेरिवेशन स्टूडेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में ड्राइव करने के लिए आता रहता है। तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से हम एग्जाम में लिखेंगे और कितना हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमने कंसिडर किया है कि हमारे पास एक्स वाई एक कंडक्टर है जिसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर से हमने छोटा सा एलिमेंट ए बी लिया है जिसका लेंथ हमने लिया डी एल, और जैसे ही मैं इस डी एल के साथ में करंट को लिंक करूंगा तो ये बन जाएगा आई डी एल और ये वाला एलिमेंट बन जाएगा करंट एलिमेंट, जो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं करंट एलिमेंट बन जाएगा। सारा का सारा काम हमारा इसी से है जो कि हम थ्योरी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बनेगा। अब हम देखते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कहाँ पर करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम एज्यूम किया है कि पी पॉइंट पर करना है। तो P पॉइंट का इस पॉइंट से यानी कि आइडियल से डिस्टेंस देखा तो ये हमारे पास R है। दूसरा हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो आइडियल है और जो R है इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की वजह से नहीं है बल्कि ये छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से है, इसलिए हम यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे डी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नंबर वन इस करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर टू, अगर मैं इस पॉइंट को इस वायर के पास लेकर आता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और दूर लेकर जाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो यहां मुझे समझ में आता है कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो ये हमारे पास पहली वन इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये मेरे पास डी बी पॉइंट यहाँ पर है और मैं इस पॉइंट का आर चेंज नहीं कर रहा लेकिन इसको पॉइंट को इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक और फैक्टर है जो कि चेंज हो रहा है, यहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है। तो थीटा का डी बी के साथ क्या रिलेशन होगा? तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें और इनसे हम इक्वेशन बनाएं तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल हमारे पास ये है, इसको अगर रिमूव करें तो इसकी जगह पर एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे। तो डी बी इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हम बात करेंगे जो एसआई सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है म्यूनोट अपॉन 4π। सीजीएस सिस्टम में इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 1। अब हम बात करेंगे कि म्यूनोट अपॉन 4π को हम क्या कहते हैं। म्यूनोट अपॉन 4π मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं 4π × 10⁻⁷ टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। अगर मेरे से कोई एसआई में लिखने की बात करता है तो मैं क्या करता हूँ, म्यूनोट अपॉन 4π लिख करके दिखाता हूँ। अगर मेरे से कोई सीजीएस सिस्टम की बात कहता है तो मैं इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 लिख करके दिखाते हैं। स्टूडेंट, डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी के लिए हमारा कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारा कैलकुलेट किस तरीके से होगा। प्रोसेस आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो बस हमें ये देखना है कि ये फार्मूला है और मुझे इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो इसको हमने निकालने की कोशिश करी है, तो डी बी क्रॉस में आर स्क्वायर अपॉन आई और ये डी एल। तो ये जो डी बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायमेंशन फार्मूला ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में सॉल्व किया हुआ है।
तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला रखा है, आर का डायमेंशन फार्मूला करंट के लिए और ये डीएल के लिए। कैलकुलेट करके देखा तो हमारे पास आ गया है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। स्टूडेंट बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा सिंपल फार्मूला लिखा है, इसको अगर मैं वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारे पास ये डीएल है, अब डीएल एक छोटा सा एलिमेंट है और इसको छोटा एलिमेंट है और ये टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया होगा, तो इसकी डायरेक्शन हम करंट से देख सकते हैं। तो करंट की जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हम ले सकते हैं डीएल को, तो इससे हमारा जो है इसको हम वेक्टर बना सकते हैं। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपने आप में एक वेक्टर शो करेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा। अब हम इसे परफेक्टली कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पोजिशन वैक्टर है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी का हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि आई तो हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ये तो अलग हो गया, तो डी एल साइन थीटा और आर, तो इसके बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो ये हमारे को एक वेक्टर का रिलेशन शो करेगा। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ निकाल लिया है, तो यहाँ नीचे की साइड में तो आप देखेंगे कि आपका आर क्यूब सिंपली आपको दिख रहा है और ऊपर आप ये देखेंगे कि ये वाला पोर्शन जो है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई को बाहर निकाल दीजिए, आई डी एल क्रॉस आर और अपोन में आर क्यूब, तो ये हमारा जो है आपका वेक्टर फॉर्म है। तो स्टूडेंट एग्जाम में बहुत ध्यान से देखिएगा, जो फॉर्म पूछी गई है वही आपको लिखनी है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी की बात करते हैं, इसका डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से। तो अब हम इसका देखते हैं किस तरह कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये आपका ए बी, ये एक डी एल वैक्टर है, ये आपका पोजिशन वैक्टर है और अभी हम फार्मूले से देख रहे थे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि जब हम इसका क्रॉस एक वैक्टर को दूसरे वैक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वैक्टर होगा, पर देखना है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आइडियल को आर के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्रू रूल से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डी एल को आर की साइड में इस तरह से बेंड करेंगे, तो उस कंडीशन आप देखेंगे थंब जो है वो आपका इनवर्ट परपेंडिकुलर बोर्ड में है। तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम इस तरीके से क्रॉस से दिखाएंगे, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर इनवर्ड। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, अगर ये P पॉइंट मेरा राइट हैंड साइड के बजाय लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता तो हमारा क्या होता है? तो हमारा जो ये आपका जो DL वेक्टर है इसको हम इस पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसको अब जब मैं ऐसे बेंड करूँगा तो मेरा थंब परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस साइड में आएगा, तो इसको हम यहाँ जो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट हैंड जो हमारे पास रूल है उसको हम पाम रूल से भी देख सकते हैं इस तरीके से देख करके, ये हमारा करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो जो ये हमारी डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी, तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट थ्रू द एंटायर वायर, अभी तक हम बात कर रहे थे स्मॉल करंट एलिमेंट की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो पूरा वायर है उससे अगर हम निकालें तो कैसे होगा। कुछ नहीं करना है हमें, उसका इंटीग्रेशन कर लेना है, तो सिंपली हमने उसके ऊपर इंटीग्रेशन साइन लगा लिया है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने की बात हो तो वेक्टर फॉर्म में हम उसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आई और डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब इंटीग्रेशन के साइन के साथ। बायोटेंट सेवर्ट लॉ को प्रैक्टिकली वेरीफाई नहीं करा जा सकता है। बायोटेंट सेवर्ट लॉ एनालॉगस टू द कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे वहाँ इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है उसी तरीके से बायोटेंट सेवर्ट लॉ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द आइडियल एंड आर, जिस प्लेन में आपका आइडियल और आर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। थीटा की वैल्यू जीरो हो या 180, उस कंडीशन में जो हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो होगी और ये आपका मिनिमम होगा। ये कब हो सकता है, जो कि पॉइंट आपका कंडक्टर के ऊपर लाई कर जाए।
उस कंडीशन में होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है और थीटा की वैल्यू आपको 90 दी हुई है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है बायोटेंट सेवर्ट लॉ, और इससे हम पहले पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। हमारा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा आता है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मार्क्स बड़े आराम से मिलते हैं। इसमें आपसे सिमिलरिटी पूछता है कि दोनों लॉ में सिमिलरिटी क्या है, तो सिमिलरिटी देख लेते हैं। दोनों लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, बहुत बढ़िया। दोनों ही लॉ जो है आपका सुपर पोजिशन को फॉलो करते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है वो करंट एलिमेंट आइडियल से है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो चार्ज से है। बस ये पॉइंट लिखना है और मार्क्स आपकी झोली में। बात करते हैं हम डिफरेंस की। डिफरेंस किस में, अभी हमने पढ़ा था बायोटेंट सेवर्ट लॉ और पहले हमारा पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ, तो इनमें डिफरेंस देखते हैं। पॉइंट नंबर एक, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्रोड्यूस होता है एक आपका स्केलर सोर्स से, क्यू से प्रोड्यूस होगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस होता है ये वेक्टर सोर्स से होता है, दैट इज द मेन डिफरेंस। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लाइन ऑफ जॉइनिंग पे मिलता है, जबकि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द कंटेनिंग आइडियल एंड आर वेक्टर, जिस प्लेन में आपका आइडियल और आर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों के बीच में ये मेन डिफरेंस रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, आप देखते हैं कि जो कूलम्स लॉ उसमें एंगल का कोई रोल नहीं है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में आप देखते हैं कि थीटा के ऊपर डिपेंड होता है, तो ये मेन डिफरेंस है, हम इनको समझ सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उस वायर का करना है जो कि स्ट्रेट है और इन्फिनिटी लेंथ का है। तो हमने यहाँ पर एक वायर कंसीडर किया है, एक्स वाई लेंथ है, जिसका इन्फिनिटी लेंथ है, बहुत लंबा है, लेकिन बोर्ड में तो हमें दिखाना है, कहीं तक हमने ये दिखाया है एक्स वाई। इसके अंदर करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है और पी पॉइंट के ऊपर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट को लेते समय हमने कुछ चीज़ें ध्यान रखी हैं। पी पॉइंट इस वायर के जस्ट मिड में नहीं है, ना ही किसी एंड पर है, ये हमने रेंडमली लिया हुआ है, तो ये यहाँ पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट का और इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ए है। अब इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नॉर्मली मेरे को बायोटेंट सेवर्ट लॉ निकालना आता है, उसके लिए मेरे को करंट एलिमेंट चाहिए, और करंट एलिमेंट हमने एज्यूम किया है इस पॉइंट पर ओ पर, जो कि ये डीएल है, और डीएल को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा बन गया है करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हमने देखा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उसको हमने किया आर। अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये पॉइंट है ये इस सेंटर पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, ये इस सेंटर पॉइंट से एल डिस्टेंस पर है। हमें जितना नॉलेज अभी तक हमने गेन की है, हम बायोटेंट सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल के थ्रू। तो अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं, तो हम यहाँ देखते हैं, फार्मूला लिखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये पी पॉइंट से मैं पूरा वायर कवर करना चाहूँ, तो पी पॉइंट से पूरे वायर को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको मिलाया है और नीचे इसको मिलाया है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक एंगल फाइ टू बन रहा है और एक एंगल आपका फाइ वन बन रहा है, और यहाँ से जो हमारे पास ये पॉइंट है आर, ये यहाँ पर एंगल फाइ इसको सिंपली बना रहा है, और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस एंगल की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो फार्मूला है उस फार्मूले में इस एंगल की मेरे को ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अब पी पॉइंट पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखूंगा। तो पी पॉइंट पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखें, तो दैट इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन, ये वो एंगल है जो कि आई डी एल और आर के बीच का एंगल है, ये हमारी कैलकुलेशन से हमें मिला हुआ थीटा माइनस फाई अपॉन आर स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेट किया तो 90 माइनस थीटा का फार्मूला आप जानते हैं सिंपली, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई वन। अब इस इक्वेशन में हमें देखना और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे को एक ट्रायंगल मिला हुआ है पी सी ओ पी, ये ट्रायंगल है,
इस ट्रायंगल से सिंपली हमने टेन फाई फाइंड करने की ज़रूरत समझिए कि टेन फाई फाइंड करें, तो टेन फाइंड अगर टेन फाई अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एल ओवर ए मिलता है, उससे अगर मैं एल निकालूँ तो एल इजिकल टू ए टेन फाई आ जाएगा। मुझे यहाँ पे डी एल की ज़रूरत है, तो ऐसे तो आएगा नहीं, इसका हम क्या करें डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसे, तो इस पॉइंट को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी एल इजिकल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये हमारा डी एल की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास है कि इसमें से हम आर की वैल्यू फाइंड करें, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन मैं इस ट्रायंगल का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर कोस फाई का यूज़ किया है। कोस फाई हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास ए ओवर आर हमें मिल जाएगा, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे आर, तो आर इजिकल टू ए सेक फाई, ये हमारे को जो है आर की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन वन में डी एल की वैल्यू और आर की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास देखते हैं क्या होगा, तो डी बी इजिकल टू म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई, ये तो हमारे पास है, आई की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ है, ये हमारी डी एल की वैल्यू है और ये हमारी जो वैल्यू है ये आपकी आर की वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं कि आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इन दोनों जगह पर आप देखेंगे स्क्वायर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। एंड वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे कि हमारे पास सेक स्क्वायर फाई यहाँ भी है और सेक स्क्वायर फाई ऊपर भी है, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपकी कट जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए स्क्वायर, तो इससे आपका ए कट जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट देख लेते क्या है, तो रिमेनिंग पार्ट है डी बी इजिकल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई ओवर ए कोस फाई एंड डी फाई, ये हमारे पास मिल गया है। तो ये जो हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मिला है ये छोटे से एलिमेंट से मिला है, लेकिन हमारी कोशिश है कि पूरे वायर से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर मिल जाए। ये कैसे होगा, अब मैं P पॉइंट से खड़े होकर के इसको पूरे वायर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम ये देख रहे हैं कि ना तो हमारा करंट चेंज हो रहा है ना ही इसका AA परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसमें केवल ये एंगल चेंज होगा। तो आप देख रहे हैं कि हम फाई वन से लेकर के इस एंड तक जाना है तो यहाँ से एंगल बनेगा फाई वन, और ऊपर एंड तक जाना है तो ये बनेगा आपका फाई टू, तो फाई वन फाई टू के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। फाई वन को हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से नीचे है, और फाई टू को हम पॉजिटिव लेंगे। तो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन के साथ में हमने लिमिट लगा दी, हमने यहाँ पे कोस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन, कोस फाई का इंटीग्रेशन किया तो दैट इज साइन फाई। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने देखा हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस किया, तो ये जो अंदर नेगेटिव है ये बाहर आकर के इसको प्लस कर देगा, फाइनल आंसर हमें जो मिल जाएगा वो होगा b इजिकल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई ओवर a साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक फार्मूला मिला है जो हमने ड्राइव किया है, b इजिकल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई ओवर a साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन, ये डेरिवेशन है और इसको हमें याद कर लेना है। लेकिन अब इसको हम और अप्लाई कैसे करें, तो कुछ स्पेशल केस देखेंगे हम, तो केस क्या हमारा यूज करें, तो देखिए ये जो करंट है ये हमने एज्यूम किया कि ये हमारा एक्स वाई वायर है और यहाँ से करंट आपका आई इसमें फ्लो हो रहा है। जो पी पॉइंट है इस कंडीशन में हमने पी पॉइंट जो है कहीं भी रखा हुआ था, ना तो वो एक एंड पर था ना सेंटर पर था, वो रेंडमली रखा हुआ था, उस जगह हम इस फार्मूले को ड्रॉ कर रहे थे, वहाँ से हमारे को फाई वन फाई टू मिल रहे थे। तो अब हम देखते हैं अगर वो पी पॉइंट ये यहाँ पर आ जाए, वाई के पास आ जाए या एक्स के पास आ जाए, और ये वायर बहुत लंबा हो तो क्या होगा, तो हम ये देख सकते हैं इस तरीके से कि अगर हम इसका लाइन को इस तरीके से बनाना शुरू करें तो हमें कुछ ये इस तरह, अगर बहुत लंबा है तो धीरे 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 ये इस तरीके से ये होगा, अगर ये लेंथ ज़्यादा है तो ये एंगल आपका नियर अबाउट 90 डिग्री होगा और ये एंगल आपका नियर अबाउट 0 डिग्री होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारा ऊपर वाला एंगल इसको हम फाई वन कंसिडर कर रहे हैं तो फाई वन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, यानी कि फाई वन की वैल्यू हमारे पास 90 आ गई और फाई टू की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री आ गया। इसको पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा बी इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई ओवर ए। ये उस कंडीशन में आपको फार्मूला मिला है जबकि पी पॉइंट किसी एक एंड पर है और वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी लेंथ का है, तो ये आपका एक्स के पास हो या वाई के पास हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक एंगल हमारा इस तरीके से हो जाएगा। एक और केस समझ लेते हैं, हम समझते हैं कि जो हमारा एक्स वाई वायर है
उसका लेंथ इन्फिनिटी है, और जो हमारा पी पॉइंट है वो इस वायर के नियर अबाउट मिडिल पर है और नियर द वायर है। अगर ऐसा है तो ये पी पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, और इसको अगर मैं कनेक्ट करूँ वाई एंड से, तो आप देखेंगे कि अगर मैं वाई एंड से कनेक्ट कर रहा हूँ और वायर बहुत लंबा है, तो ये वाला एंगल जो है, जो है जिसे हम फाई वन कह रहे हैं, दैट इज नियर अबाउट टू 90 डिग्री। इसी तरीके से आप नीचे की साइड में देखेंगे वाई एंड को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये यहाँ पर एंगल जो बना रही है दैट इज़ फाई टू नियर अबाउट टू 90 डिग्री। इस तरीके से हम यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो फाई टू और फाई वन की वैल्यू 90 पुट कर देंगे, तो आप देखेंगे वन और वन, तो आपके पास जो फार्मूला मिलेगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4π2i/a। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, जब जब कंडीशन आएगी तो हम इनको एज इट इज़ यूज करेंगे फार्मूले को। स्टूडेंट, अभी तक हम बात कर रहे थे कि एक्स वाई जो कंडक्टर है वो इन्फिनिटी लेंथ का है, इन्फाइनाइट लेंथ का है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर ये एक्स वाई जो कंडक्टर है एक फाइनाइट लेंथ का हो और इसका लेंथ एल है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसका टोटल लेंथ एल है, और जो हम पी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई, यानी कि ये कहीं यहाँ पर है और ये इस तरीके से है, तो ये पी पॉइंट है और ये बिल्कुल इसका बाइसेक्टर बना रहा है, इनके मिड पर जा रहा है ये। तो यहाँ हम देखेंगे इसके जो एंगल हैं, यहाँ देखिए ये एंगल आपका फाई वन होगा और ये एंगल आपका फाई टू होगा, तो फाई वन एंड फाई टू इक्वल होंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कह सकते हैं, कोई भी एंगल हो सकता है। अगर इस फार्मूले के अंदर हम यहाँ पर इसको चेंज कर दें तो हमारा ये फार्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π i/a, और यहाँ आप देखेंगे कि 2 sin φ ऐसा हो जाएगा। तो अब हम इस फार्मूले में, ये जो हम अपना फिगर देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर में नेमिंग कर रखी है हमने, यहाँ पे P है, ये हमारा Y है, इधर X है, इसका भी हम कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इसका कंसीडर कर लिया हमने C, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल की हेल्प से हम यहाँ से साइन फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये एंगल आपके पास में 90 रहा होगा, और यहाँ से हम इसके देखें तो ये आपके पास L बाई 2 लेंथ होगा। तो हम यहाँ से इस ट्रायंगल का यूज करके, यानी कौन सा ट्रायंगल यूज करना है, ट्रायंगल यूज करना है हमारे को PCY, और यहाँ से मेरे को निकालना है साइन फाई। तो साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो साइन फाई की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास L बाई 2 अपॉन, और ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा पाइथागोरस से, तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगा ए स्क्वायर अपॉन L बाई 2 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली ये मिल जाएगा L अपॉन 4a² + l² का अंडर रूट। तो अब हम इसकी वैल्यू, ये हमारे को मिल गई है साइन फाई की वैल्यू, इस साइन फाई की वैल्यू को हम अपने फार्मूले में पुट करते हैं। स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने साइन फाई का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है फिगर से, और हमने यहाँ पर इसको रखा था तो हमने इसको थोड़ा सिंपल किया, तो हम यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू को पुट करेंगे। साइन फाई की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4π 2i/a, एल अपॉन में अंडर रूट 4a² + l², ये हमारे पास फाइनल फार्मूला हमें मिला है। और इसमें एक बात देखिए, हमने काटा नहीं है क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसे काट सकते हैं जब ज़रूरत होगी। स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे थे इन्फिनिटी वायर का, लेकिन अगर वो वायर बेंड हो जाए और उसकी शेप एक सर्कुलर हो जाए तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको देखते हैं। तो हमने एक वायर लिया है जिसको हमने एक सर्कल के ऊपर में जो है इसको बना दिया है, तो ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉयल बना लिया हमने, यहाँ से इसमें करंट मूव कर रहा होगा, ऐसे करंट जाएगा और यहाँ से करंट आ करके इस तरीके से आ जाएगा, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर है, इसको हमने जो है ओ कंसीडर किया हुआ है, और यहाँ से इसका रेडियस आर है। अब हमें इसके सेंटर पर इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो बायोट सेवर्ट ला हम लगा सकते हैं, लेकिन बायोट सेवर्ट ला लगाने के लिए हमें एक बात पता है कि बायोट एंड सेवर्ट ला से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन हमें एक स्मॉल करंट एलिमेंट चाहिए, तो हम स्मॉल करंट एलिमेंट यहीं पर कंसिडर कर लेते हैं,
तो यहाँ हम छोटा सा एक लेंथ ले लेते हैं, दैट इज डी एल, और आई इसके साथ अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये करंट एलिमेंट बन जाएगा, और ये इसका यहाँ से जो है डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आराम से बायोटेन सेवट ला से फॉर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो बायोटेन सेवट ला से एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बी पॉइंट, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट इज डी बी। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, इससे हमारे को निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि यहाँ जो हमारे पास डी एल है और ये जो हमारे पास एंगल है, ये इसके साथ में, क्योंकि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और रेडियस के साथ टेंजेंट जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू आपको क्या समझ में आती है, 90 डिग्री समझ में आती है। तो 90 डिग्री अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा, जो एक्सप्रेशन आएगा, वो आएगा आपके पास डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है, ये छोटे से एलिमेंट से निकला है, मुझे पूरे एंटायर वायर से चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास तो ऐसा तरीका ही नहीं है, तो छोटे छोटे पार्टिकल को हम इसके साथ में लेकर के और उनके साथ में हम सबको एड ऑन कर दें। मेन इसका अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो उसको क्या करें, इंट्रीगेट कर लें। तो इंट्रीगेट करने से मेरे को सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इसके लिए इंट्रीगेशन। तो हम यहाँ क्या रहा, बी इंट्रीगल हमने लगाया, तो म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, तो म्यू नोट अपॉन फोर पाई तो आपका बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंट्रीगल डी एल आ गया। अब इंट्रीगल डी एल को देखो, यह क्या चीज़, इंट्रीगल डी एल जो है ये छोटा छोटा पार्टिकल को अगर हम ऐड करते जाएंगे तो ये सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो ये हमारे पास पता है कि इंट्रीगल डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इंट्रीगल डी एल की वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट इज़ 2 पाई आर, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमारे पास होगा। इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपके पास में म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर। तो ये हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, इस आर से इस आर को काट सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ आ गया है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर एंड 2 पाई। अब ये 2 पाई क्या बता रहा है, 2 पाई बता रहा है कंप्लीट सर्कल हो गया है। तो ये एक रिंग था, एक इसका जो है एक टर्न लगा हुआ है, अगर इसमें एन टर्न लगा हो तो हम क्या करेंगे, एन टर्न निकालने हैं तो इसको क्या करें, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर एन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड एन टर्न के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। ये फार्मूला हमने अभी पढ़ा है कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए 2 पाई एन। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो है आपका सेंटर पर एक सर्कल से एंगल है और एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है। लेकिन कई बार हमारे कंपटीशन में पूरा सर्कल होगा ही नहीं, या सर्कल के बाद कुछ पार्ट इस तरीके से होगा कि दैट इज नॉट 2 पाई, यानी कि कंप्लीट सर्कल नहीं हो रहा है, यानी कि इस तरीके का कहीं पार्ट हो सकता है कि जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो और सेंटर पर आपको यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हमें ये एंगल चाहिए। तो उस जगह पर जो फार्मूला है वो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव करके बताया कि ये तो पोर्शन यही रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए, लेकिन एंगल सबटेंडेड बाय द कॉयल। अब ये कैसे होगा, तो इसको आप जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल जो है डिग्री में नहीं लिखना है, इसको हमेशा जो आर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट। तो ये हमने एक कॉयल कंसीडर कर लिया जिसके अंदर आपका आई करंट फ्लो हो रहा है और ये एक्सिस है, इसके ऊपर कहीं हमें पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब इसके लोकेशन है, इसको मेरे को दिखाना है कि कैसे है। अब यहाँ मेरा बोर्ड है 2D और ये हमारी जो इमेज है दैट इज 3D, तो इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एनिमेशन देखते हैं। स्टूडेंट आप देख रहे हैं करंट कैरिंग कॉयल है और एक हमारे पास एक्सियल लाइन है। अब करंट कैरिंग कॉयल के ऊपर में हम एक करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे आईडीएल, और यहाँ से हम एक्सियल जो लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे जो कि हमने शो किया है डार्क से। तो देखिए कि यहाँ जो आप येल्लो कलर की लाइन दे रहे हैं तो ये पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन की कैलकुलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। तो आईडीएल को हम आर की तरफ बेंड करते हैं
तो आप देखेंगे थंब की डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, जो कि परपेंडिकुलर है आइडियल और आर्क के कंटेनिंग प्लेन के। अभी आपने एनिमेशन देख लिया है, तो एनिमेशन देख के आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो फिगर है दैट इज थ्री डायमेंशन। यहाँ हमने जो ये कॉयल कंसिडर करी है, ये कॉयल इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड इससे हमें कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पर, और ये जो आपकी ग्रीन कलर की लाइन है ये हमारी एक्सियल लाइन है, और यहाँ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमने अपने एनिमेशन में बताया कि एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करना है, तो यहाँ हमने एक आइडियल कंसीडर किया है, और इसका डायमेट्रिकल अपोजिट दूसरी साइड में एक और हमने जो है आइडियल कंसीडर किया है। इस पॉइंट को हमने सी रखा है, तो इस पॉइंट को हमने सी डैश रखा है। अब हमें इस आइडियल से इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो स्टूडेंट बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि ये इस तरीके से है, तो आपका करंट एलिमेंट आइडियल ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारे पास वो डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस लाइन के परपेंडिकुलर ये आपको यहाँ दिख रहा है डी बी। इसी तरीके से इसका जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस ब्लैक लाइन के ये परपेंडिकुलर होगा, ये डी बी डैश हमने दिखाया। अब ये DB या DB डैश कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बायोटेन शेवटला से। बायोटेन शेवटला में हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती है, एक करंट एलिमेंट और एक डिस्टेंस, और इनके बीच का आपको एंगल। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये एंगल, क्योंकि जो आइडियल है ये आपका इस तरीके से, मगर मैं फिंगर के ऊपर आइडियल बना लूँ और बोर्ड पे ऐसे रखूँ आर, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ हम देखेंगे, तो हमने रखा यहाँ पे आइडियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी हम बात कर रहे हैं थीटा कितना, थीटा हमारे पास है 90, और जो आर है दैट इज़ द डिस्टेंस, ये आर है, इसकी कैलकुलेशन आप पाइथागोरस सब कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे को डी बी नज़र आ जाएगा। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा जो कि हमारा यहाँ पर ये शो किया हुआ है। सेम मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा इस आइडियल कंपोनेंट की वजह से, जो कि सी डैश पर है, जो इसका डायमेट्रिकल अपोजिट है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बायोटेन शेवटला यूज़ कर रहे होंगे। अगेन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को एंगल जो है वो 90 डिग्री मिलेगा, आर ये मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि डी बी और डी बी डैश दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो डी बी और डी बी डैश की वैल्यू सेम है। अब हमने कैसे करना है, यहाँ देखिए ये जो हमारे पास है ये एक्सियल लाइन के साथ में एंगल फाई बना रहा है, तो हमने यहाँ पर एक प्लेन कंसीडर किया जो कि हमारी कॉयल है उसके पैरेलल है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये एंगल जो बनाएगा ये आपका फाई एंगल बनाएगा, तो ये यहाँ भी फाई बनाएगा, यहाँ भी फाई बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, डी बी के कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। तो वेक्टर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो डी बी का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि यहाँ पर है डी बी कॉस थीटा, और यहाँ पर एक आएगा आपका डी बी साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर डी बी डैश के कंपोनेंट देखेंगे तो डी बी डैश कॉस थीटा और डी बी डैश साइन थीटा आप देखेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं डी बी कॉस थीटा एंड डी बी डैश कॉस थीटा ये आपके बिल्कुल अपोजिट हैं, और अभी हम बात कर रहे थे डी बी और डी बी डैश इज सेम थिंग, तो ये आपके मैग्नीट्यूड में सेम होंगे लेकिन अपोजिट है, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट आपके क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो केवल इन दोनों का सम मिलेगा, उसको हम देखते किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं दो एलिमेंट लेकर के, एक सी पर और एक सी डैश पर। इस तरीके से हम इस पूरी कॉइल के ऊपर में बहुत सारे एलिमेंट ले सकते हैं और सभी को इस तरीके से कंपोनेंट पर ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि जितने भी कॉस कंपोनेंट है वो सब कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास केवल बचेगा साइन कंपोनेंट, तो सभी साइन कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो है पूरी कॉइल के थ्रू पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, पी पॉइंट पर जो है पूरी कॉयल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, या तो ऐड करें या फिर हम इसको इंट्रीगल कर लें। तो हमने इंट्रीगल कर लिया है, तो ये जो कंपोनेंट था डी बी कॉस फाई इसका हमने इंट्रीगल करा है, तो डी बी की वैल्यू एज इट इज़ जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी उसकी वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे डी बी की। तो ये डी बी की हमने वैल्यू रख दी और यहाँ हमारा कॉस फाई एज इट इज़ रखा हुआ है। थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ जो जब इंट्रीगल करने बैठे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड साइन फाई बाहर छोड़ दिया, इंट्रीगल आइडियल हो गया, क्योंकि हम इसको पहले भी जान चुके हैं कि जो इंट्रीगल जो डीएल हमें मिला है ये क्या चीज़ है, ये छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ, और इसको अगर हम अगर इंट्रीगल करेंगे तो ये पूरा सरकमफ्रेंस बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हम इस तरीके से देख सकते हैं। बात आती है साइन फाई की वैल्यू कहाँ से
मिलेगी। तो साइन फाई की वैल्यू हम देख रहे हैं, ये ट्राइंगल जो ना, इस ट्राइंगल को हम यूज कर लेंगे। ये ट्राइंगल है पी सी एंड ओ, तो ये लगा लिया हमने पी सी एंड ओ। यहाँ से ये इसका रेडियस था, ये इसका डिस्टेंस है, ये इसका जो है आपका हाइपोटेनस है जिसको कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ से हमने क्या करा है, साइन फाई की वैल्यू निकाल ली। तो साइन फाई इज इक्वल टू ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, साइन फाई की वैल्यू और डी एल की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन में फोर पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही था। ये हमारी जो है साइन फाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है और ये आपकी डी एल की वैल्यू पुट करी है। तो डी एल की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारा फार्मूला ऐसे हो गया। हमने क्या करा, ए और ए को दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ए स्क्वायर बना लिया। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल के आया है अगर ये हमारा सिंगल टर्न है, लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हों तो हम उनको एज्यूम कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारी काउंटिंग है एन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे इस फार्मूले में ऐसे दिख जाएगा। स्टूडेंट बोल करके याद कर लेना हमें, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई ए स्क्वायर टू पाई एन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अभी अभी हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड किया है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई टू पाई ए स्क्वायर एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। इसके हम कुछ और पॉइंटों की बात करते हैं। जैसे कि हमने ये फिगर बनाई हुई है, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। अगर ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर ना हो करके ये ओ पर होता, इसका मतलब है कि ये एक्स जो डिस्टेंस है इसको हम जीरो पुट कर दें अपने फार्मूले में, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जीरो पुट कर दें तो हम देखते हैं कुछ इस तरीके से, और हमारा रिजल्ट जो मिलता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई टू पाई एन ओवर ए। तो स्टूडेंट ये वही रिजल्ट है जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड किया था सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन का। और ये जो ग्रीन कलर की जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और जब ये ओ पर आ जाएगा तो आप देखेंगे इस प्लेन में परपेंडिकुलर आउटवर्ड आपको ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। एक और कंडीशन हम देख सकते हैं, अगर ये पी पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हो एज कम्पेयर टू दिस रेडियस, इस रेडियस के कंपेरेटिवली ये एक्स अगर हमारा बहुत बड़ा है तो हमारा ऐसा केस होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें जो छोटा वाला पॉइंट है यानी कि ये बहुत छोटा है, अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसको हम क्या करें, नेगलेक्ट कर दें। तो इसका क्या होगा, इसको रिप्लेस करके हम एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, तो अपने फार्मूले में ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते। ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा फार्मूला कुछ ऐसा रह जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम चाह रहे कि कोशिश करें कि सोल्व हो जाए। सोल्व क्या करना है, देखिए ये हमारे पास पाई है और ये ए है, तो ए क्या है, रेडियस है, तो पाई ए स्क्वायर को आप जानते हैं, तो पाई ए स्क्वायर एरिया होता है, मैंने सिंपली उसमें एरिया इसको प्लेस कर दिया यहाँ पर। एक और नई चीज़ हमारे पास इसमें देखने को मिली है जो कि हमने यहाँ पर एम पुट किया है। एम पुट किया, ये है क्या चीज़, ये है ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये आपका बनाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे बनाया है, ये तो मैग्नेट तो ये पक्का है, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर से एक तरफ ये एग्जिट हो रही होगी तो दूसरी साइड से एंटर कर रही होगी। इसका मतलब है कि ये जो कॉयल है ये आपका एक डाइपोल की तरह काम कर रही होगी और उसको हम डाइपोल मोमेंट में कंसिडर कर सकते हैं। स्टूडेंट आज हम अपना बायोटेंट सेवटला कंप्लीट कर चुके हैं। बायोटेंट सेवटला में हम अच्छे से सीख चुके हैं कि किसी भी करंट एलिमेंट से किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। फिर ये हमारा कंडक्टर किसी भी शेप का हो, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, ये अच्छे से सीख चुके हैं। लेकिन हमें एक चीज़ में प्रॉब्लम है कि ए मैग्नेटिक फील्ड जो इसके चारों तरफ जो होगा उसको कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम बायोटेंट सेवटला नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें जो है दूसरा रूल की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट वो रूल है हमारा एम्पियर सर्कुटल्ला। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्कुटल्ला। और आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगला अपडेट पाने के लिए।